नमस्कार, अराइज न्यूज में स्वागत है आपका। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को अराइज न्यूज परिवार की ओर से शुभकामनाएं। आज देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश भर में ध्वजारोहण किया गया, जगह जगह आजादी के विजय गाथा के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए देश के विभिन्न भागों से स्वतंत्रता दिवस समारोह के कुछ झलकियां। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के विभिन्न भागों से गणमान्य व्यक्तियों ने अराइज न्यूज के माध्यम से देशवासियों को शुभकामनाएं भेजी हैं। भारत वर्ष की आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर पूरे देशवासी, झारखंड वासी, गोड्डा जिला और पुड़िया विधानसभा की जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिस तरह से पूरा देश हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इस आजादी के जश्न को सभी वर्ग, किसान, युवा, पढ़े लिखे सभी, सरकारी कार्यक्रम के रूप में भी ये पूरे देश में पूरे अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। और इसके लिए जो है आज इस अमृत महोत्सव के बहाने, जिसको कि देश की आजादी से कोई मतलब नहीं था, वैसे लोग अपने आप को अमृत महोत्सव के बहाने अपने आप अपनी पार्टी को जीवित करने के प्रयास में लगातार संघर्षरत दिख रहे हैं, जबकि मालूम है कि देश की आजादी के समय कितनी विभिन्न विभीषिका हुई थी। भारत और पाकिस्तान, देश का बंटवारा किन सबों ने करवाया था और उस विभीषिका के समय में कितने लोग देश से माइग्रेट हुए, कितने लोग मारे गए थे, कितने इस देश की आजादी को दिलाने में क्रांतिकारियों, उनके माताओं के गोद सुने हुए, कितनी हमारी बहनों की मांग सुनी हुई और उस आजादी को पाने के बाद आज हमारा देश जो है एक नई ऊंचाई की ओर, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रीजन में हमारा देश कई ऊंचाइयों को और जाने के लिए अग्रसर हो रहा है। भले ही राजनीतिक रूप से विपक्षी नेता लोग अपने भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण ये विकास की गति को रोकने के लिए देश विरोधी तत्वों के साथ, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ मिलकर सीबीआई या ईडी प्रकरण पर अपना झूठा रोना रो रहे हैं और वो रोकर इन सबको, जनता लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। अगर आप पुराने समय में कोई भी काम, गलत काम करके गुजरे हैं तो उसका तो फल मिलना ही मिलना है। आज जांच होगा, कल जांच होगा या कभी भी जांच होगा, लेकिन उसी के बहाने से आप अगर यदि इस आजादी के जश्न को अगर किरकिरा कर रहे हैं, किरकिरी करके अगर इस जश्न को खत्म करना चाह रहे हैं तो ये बड़ा ही दुखद और हास्यास्पद है। पुनः एक बार पूरे देशवासियों को इस आजादी के जश्न को मनाने के लिए सभी वर्गों को हम प्रेरित भी करेंगे और अमृत महोत्सव को एक स्मृति दिवस के रूप में भी पहचान बनाते हुए हम लोग पूरी तरह से इसको जश्न मनाएंगे और हम लोग कार्यकर्ता लोग झंडा हम लोग के माध्यम से हर जगह जाके लोगों को, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर जगह झंडा बांट करके झंडा लगवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। 75वें वर्ष पूर्ण होने को है। इस अवसर पर पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर अपने देश के सभी देशवासियों को ढेर सारे शुभकामना और देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि ये आजादी का महत्व को समझे, घर घर में तिरंगा लगाए, बच्चे बच्चे में यह संदेश जाए आजादी का महत्व क्या होता है, आजादी हमारे पूर्वजों ने कैसे प्राप्त किया है। धन्यवाद।